नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय शिवदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादी नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में आज 23वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। पिछले प्रसंग में आदि महाराज मनु ने अपनी कन्या देवहूति का कर्दम महर्षि के साथ पाणिग्रहण करा दिया और अंत में प्रदेय का दान करके शोकाकुल अवस्था में महर्षि से आज्ञा प्राप्त करके अपने राजधानी को लौटा है। सृष्टि के आदि के आदि राजा महाराज मनु का उच्च कोटि का व्रत संक्षेप में मैत्रेय जी ने वर्णन किया और मानव जाति असल में मनोरकत्यम मानवः, मनुष्य ही मनुष्य की संतति का प्रवाह माना जाता है। तो आदि जो मनुष्य के प्रवर्तक हैं उनका इस प्रकार का चरित्र है। अब इसके बाद उन्हीं की पुत्री देवहूति का मंगलमय व्रत आगे 23वें अध्याय में प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, त्रयोविंशे ततो योग निर्मिते सर्व संपदि विमाने कामगे चित्ता तयोरतिरुदीर्यते। इस 23वें अध्याय में महर्षि कर्दन के द्वारा योग शक्ति से निर्माण किया गया विमान, जो इच्छा अनुसार चलने फिरने वाला था, उसी विमान में महर्षि कर्दम और देवहूति की रति का विचित्र प्रकार की सुखानुभूति का वर्णन किया जाएगा। इन उत्कृष्ट चरित्रों में दो चीजें ग्रहण करने की, धर्मनिष्ठा और भगवत भाव, मूल्यवान दो ही तत्व जो है इन चरित्रों के माध्यम से हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसमें भगवत भाव जो है वह भी फल है, साधन के अनंतर प्राप्त होने वाला फल है भगवत भाव, भगवत प्रीति। वो स्वामी जी कहते हैं ना, जहलग साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। जीवन का समग्र साधन का फल ही भगवान में प्रेम प्राप्त होना है, क्योंकि साधन या धर्माचरण क्या करता है, अंतःकरण को शुद्ध करता है। अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर
भगवान तो सर्वत्र विराजमान है ही, वे तो आत्मा ही है, स्वभावतः परम प्रेमास्पद है ही। वह तो मन हमारा दो कौड़ी के संसार में भटक रहा है, इसलिए उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो साधन इसलिए है कि जो मालिन्य कलमश पाप भरे हुए हैं जीवन में, उनसे शुद्धि हो, इसलिए साधन पर जोर दिया जाता है। साधन पर ज्यादा दृष्टि ले जानी चाहिए। तो अब श्री देवी देवहूति का साधन का ही वर्णन करने जा रहे हैं। मैत्रेयी वाच पितृभ्याम प्रस्थते साध्वी पतिमिंगित कुबीरा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवं प्रभुम। श्री मैत्रेय जी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे कि हे विदुर जी, पिता माता पिता मनु शत्रुपा जब कन्या को सौंप करके अपनी राजधानी को लौट गए, तो सती साध्वी देवहूति देवी ने पति की सेवा में अपना मन लगा दिया। इंगित को विदा माने पतिदेव को क्या आवश्यकता है, क्या चाहते हैं, वे तो साधन में लगे हुए हैं। साधन में लगे हुए पति को किस वस्तु की आवश्यकता है, जल पात्र वस्त्र आदि, उनकी आज्ञा के बिना ही इंगित को देख करके ही अपने समस्त सेवा में लगी रहती थी। ऐसा नहीं कि कोई काम बताया जा तब कर। गंगा तट पर एक महान पुरुष थे, वाराणसी से अध्ययन करने वाले, तो वो जो बोलते थे कहते थे, उनकी सेवा में रहने वाले एक विद्वान पुरुष थे, वो कहते थे कि उनके वाक सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति होते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे। अब सन हजार व्यक्ति हो तो आशय निकाले। ऐसा नहीं कि जो है हर चीज बतानी पड़े, वो उनकी सेवा क्या करेगा। तो वो सेवा करने वाले जो थे पंडित जी बता रहे थे वैसे ही थे। उसी प्रकार से और ठीक भी है, सेवा अपने आप हो तो मनुष्य, अगर कहने से की गई तो पशु, और कहने से भी न की गई तो गधा। तो पतिमिंगित कुबिदा नित्यं परिचरत प्रीत्या, बड़ी प्रीति पूर्वक नित्य उनकी परिचर्या में लगी रहने लगी। दृष्टांत देखिए क्या दे रहे हैं। भवानी वो भवम प्रभुम, जैसे भगवती पार्वती भगवान शिव की सेवा में लगी रहती थी, ये दृष्टांत है उदाहरण के रूप। ठीक है, आप कहते हैं कि प्रस्थिते गमने करते सती, माता पिता के अपनी राजधानी को चले जाने के बाद पति के सेवा में लग गई, सेवा का उनका ढंग बता रहे हैं। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो, विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमोद्यता नित्यं तेजीयांशमतोषयत्। उनकी सेवा का ढंग बताया जा रहा है दो श्लोकों। विश्रम्भेण आत्मशौचेन, विश्रम्भ माने पति के प्रति समग्र विश्वास,
पति की सेवा धर्म से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ऐसा दृढ़ विश्वास। आत्मशौच मन है मनसा वाचा कर्मणा शुद्धि, जिसमें चालाकी या छल कपट का उपयोग न हो, आत्मशौच। गौरवेण धनेन चो, गौरव माने उनके प्रति महान गौरवमयी बुद्धि, और धनेन माने इंद्रिय निग्रह पूर्वक। शुश्रूषया सौहृदेन, सेवा शुश्रूषा के द्वारा, जिससे कि कोई उपयोगी कोई बात हो, धर्म की कोई रहस्य की बात हो तो वे बता दें। सौहृदेन माचा मधुरया च भो, मधुर वाणी सौहार्द इत्यादि के रूप में वे महर्षि की सेवा में लगी हुई हैं। और किन किन चीजों को छोड़ा है, धर्म का पालन असल में रजोगुण तमोगुण का त्याग किए बिना नहीं होता। सतोगुण ही धर्म के मार्ग में ले जाने वाला है। रजोगुणी तमोगुणी भावनाओं को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, विसृज्य कामम दम्भम चो, द्वेषम लोभमघम मदम। काम वासना, दम्भ दिखावा, द्वेष लोभ, और अघ माने पाप, मद अहंकार, ये सब रजोगुणी तमोगुणी भाव। इन रजोगुणी तमोगुणी भावों को पूरी तरह से त्याग करके, नहीं तो धर्म जो है दूषित हो जाएगा। अप्रमत्तोद्यता नित्यम, प्रमाद रहित होकर के नित्य उद्यत रहती थी। तेजीयांश मतोषयत, और अपने पति देव करदम महर्षि को, जो अतिशय तेजस्वी हैं, उनको अपनी सेवा से संतुष्ट कर लिया। टीका, दम्भम कपटम, कपट पूर्वक सेवा करना। अधम निषिद्धाचरणम, पापत। तेजी अंशम अति तेजस्विनम, अत्यंत तेजस्वी महर्षि को संतुष्ट कर दिया। आप देखिए, उनके धर्माचरण धर्म के प्रभाव से असर क्या हुआ। सवई देवर्षि वर्यस्ताम मानवीम समनुव्रताम, दैवाद गरीयुषः पत्युः आशासानाम महाशिषः। सा देवर्षि करदम, वही निश्चयेन देवर्षि वर्य, देव योनि से ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और सभी ऋषि थे, उनमें से श्रेष्ठ हैं अन्य ऋषियों की अपेक्षा, इसलिए देवर्षि वर्य हैं। ताम मानवी मनु कन्याम, उसकी ऊपर उनका ध्यान गया। समनुव्रताम, जो पूरी तरह से मनसा वाचा कर्मणा अनुसरण करने वाली हैं, और दैवाद गरीयुषः पत्युः आशासानाम महाशिषः। देवी देवहूति के हृदय की भाव की व्याख्या करते हैं कि देवहूति अपने पति के प्रति दैव से बढ़ करके श्रेष्ठ मानती थी। दैवात पत्युः गरीयसः, पति को दैव की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली समझती थी, इसलिए महाशिषः आशासानाम, अपने पति से महान आशीर्वाद वरदान की आशा करती थी, चाह रखती थी।
ऐसी ही मनु राजकुमारी देवहूति के प्रति महर्षि कर्दम का ध्यान गया। ठीक है, दैवाद गरीशो दैवाद गुरुतरा दैव अदस्त, सब कुछ करने वाला होता है किंतु उससे भी गुरुतर मानती थी अपने पति देव को। दैव मत्यन्यथा कर्तुम समर्थादित्यर्थ, ये तो दैव को भी अन्यथा करने में समर्थ हैं, इसलिए उनके द्वारा बहुत प्रकार के आशीर्वाद वरदान चाह रही थी। कालेन भूषाक्षामाम कर्षताम व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा तीजत कृपया ब्रवीत। सेवा करते करते बहुत वर्ष बीत गए। कालेन भूषाक्षामाम, नियमों का पालन करते करते बहुत समय बीत गया, शरीर क्रश हो गया। व्रतचर्यया कर्षताम च, और व्रतोपवास की चर्या में लगे लगे शरीर अत्यंत क्रश हो गया। बहुत समय बीतने के कारण और व्रतोपवास आदि के कारण तो ऐसी देवहूति को देख करके प्रेम गदगदया वाचा पीड़िता कृपया ब्रवीत, तो उनको बड़ी पीड़ा हुई महर्षि कर्दम को कि देवहूति मेरी सेवा में ये इतनी कमजोर हो गई हैं व्रतचर्या में और सेवा करते करते। उनको बड़ी करुणा प्रकट हुई, इसलिए कर्ता से पीड़ित हो गए, दुखी हो गए, प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनसे कहने लगे। ठीक है, व्रतचर्या कर्षताम, व्रतोपवास करते करते अत्यंत जो क्रूर हो गई हैं, भूषा कालेन अति क्षामाम इत्यर्थ, बहुत वर्ष निकल गए इसलिए बहुत समय तक हो नियम के पालन करने के कारण जो अत्यंत क्रूर हो गई हैं। तब कर्दम जी कहते, कर्दम वाच, तुष्टो मद्यत मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। हे राजकुमारी मनुकुमारी मानव, अद्य तव अहम तुष्टः, आज मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हो रहा हूँ। क्यों? मानदाया, तुमने लगातार निरंतर मान सम्मान पूर्वक मेरी सेवा की है। सबसे पहले तो सम्मान देना, सुशूषया परमया परया च भक्त्या, मान दिया कि नहीं दिया इसका पता कैसे चलेगा? सुशूषा, परम सुशूषा और पराभक्ति प्रीति, इससे पता चल रहा है। और कहते हैं यो देहिनाम अयमतीव सुहृत् स्वदेहो, देखो राजकुमारी प्राणी मात्र का, देहिनाम माने प्राणी मात्र का अपना यह देह बहुत प्रिय होता है, सुहृत होता है अपना देह। सबसे पहले प्राणी जो है अपने देह की सुरक्षा करता है, तब दूसरी ओर ध्यान देता है, दूसरे नंबर पर रखता है दूसरे के कार्यों को। किंतु ऐसे इस प्राणी मात्र के प्रिय देह को, सुहृद देह को तुमने ध्यान नहीं दिया, नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे, मेरी सेवा के लिए
स्वाभाविक रूप से प्रिय देह की तुमने चिंता नहीं की, इससे तुम्हारे मन में कितना बड़ा मान सम्मान मेरे प्रति है यह मालूम पड़ गया। सिर्फ प्रिय प्राणी मात्र को अपना देह बड़ा प्रिय होता है, उसको वह दुख नहीं देना चाहता, किंतु मदर्थे क्षपाई तुम ना वेक्षितो ना गणितः, मेरी सेवा में जो वह देह तुम्हारा कृश होता चला गया उसको तुमने नहीं ध्यान दिया, गिना ही नहीं। शरीर कृश होता है तो होने दो, धर्म नहीं छोड़ना है। समुचित श्लाघ्योपि मत सेवा सत्या उपेक्षित इत्यर्थ। यह देह जो जीव मात्र के लिए श्लाघ्य माने सराहनीय प्रिय, किंतु मेरी सेवा में आसक्त होकर के इसकी तुमने पूरी उपेक्षा की है, इसलिए ये धर्म है। इस प्रकार से देहूति देवी ने पति सेवा रूप पातिव्रत धर्म का पालन किया। अब उसके बाद दूसरी बात कहने जा रहे हैं। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपस्समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादाः तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान्। पति पत्नी असल में अर्धांग माने जाते हैं, किंतु शास्त्र की दृष्टि यह है कि पति के समग्र धर्म के फल का अधिकार पत्नी हो जाती है। पत्नी के धर्म के फल का अधिकारी पति तो नहीं होता, लेकिन पति के धर्म का अधिकारी अधिकारिणी पत्नी हो जाती है। और पति अगर कोई पाप करता है तो उसका फल नहीं मिलता उसको, पत्नी ऐसे अगर कोई पाप होता है तो उसके फल में उसको भागीदार होना पड़ता है। क्या ऋषियों के शास्त्रकारों की व्याख्या है, व्यवस्था है। इसलिए कह रहे हैं कि तुमने धर्म का सांगोपांग पालन किया है, इसलिए मुझे जो भगवत प्रसाद प्राप्त हुए हैं उनकी तुम स्वाभाविक रूप से अधिकारिणी हो गई हो। निश्चित है पति का पुण्य धर्म जो है पत्नी को बिना संकल्प की जरूरत नहीं, देने की जरूरत नहीं, व्यवस्था ऐसी है। सनातन धर्म की व्यवस्था ऐसी है, कोई लिखित नहीं करना पड़ेगा, अपने आप मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि। मैंने अपने धर्म में रत रहते हुए तपस्या समाधि विद्या माने उपासना आत्मयोग इन चारों प्रकार के साधनों के द्वारा जो मैंने भगवान के प्रसादों पर विजय प्राप्त की है, विजिता भगवत प्रसादा फल रूप में, तो उन प्रसादों का तुमको भी अधिकार मिल गया है। ताने वते मदन सेवनया वरुद्धान, उन भगवान के द्वारा प्राप्त प्रसादों को तुमको भी, तुमको क्यों मिल गए? मदन सेवनया वरुद्धान, मेरी सेवा करने से नियम के अनुसार तुमको प्राप्त हो गए वे। अभी तुम देख नहीं पा रही हो, मैं तो देख रहा हूं, मैं तुमको दृष्टि देखता देता हूं, तुम देखो। दृष्टि प्रपश्य वितराम ये भया नशोकान, अहम त्वाम दृष्टिम वितराम, मैं तुमको देखने की दृष्टि देता हूं। इसलिए भगवान के द्वारा प्रदत्त अभय शोक रहित तो उन प्रसादों का तुम दर्शन करो।
और जिनको तुम भोग करना चाहो उनका उपभोग करो। ठीक है। तपश्च समाधिश्च विद्या च उपासना तासु यः आत्मयोगश्चित्तैकाग्र्यम्। तपस्या समाधि विद्या अर्थात उपासना, इन तीनों में जो आत्मयोग माने चित्त की एकाग्रता मैंने प्राप्त किया, उसी के फल स्वरूप तेन विजिता प्राप्ता भगवत प्रसादा, उसके फल स्वरूप भगवत प्रसाद मुझे प्राप्त हुए हैं। वे क्या है? दिव्य भोगा, दिव्य भोग। ताने उसे अवरुद्धान स्वयापि वशीकृतान प्रपश्यो, जिन वे तुम्हारे लिए भी हैं, है ना, तुम भी उनका दर्शन करो, प्रपश्य देखो। और देखने का धन क्या है? ते दिव्यां दृष्टिं वितरामि, मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। यथा यया दृष्ट्या द्रक्षसि, उस दृष्टि से तुम उन भगवत प्रसादों का दर्शन करोगी। अच्छा, अब ये जो दिव्य भोग प्रसाद के रूप में प्राप्त हुए हैं, इनकी विशेषता बता रहा। पहले यद्यपि इस प्रश्न के प्रारंभ में थोड़ी सी बात चर्चा हुई थी, श्री कर्दम जी तीनों ऋणों से पूर्ण होकर के तब भगवान के चरणों में अपने को लीन करने के मार्ग में चल रहे हैं। तो उसमें वैदिक धर्म समग्र जो है मनुष्य को निवृत्ति की ओर ले जाता है, किंतु निवृत्ति की ओर सभी के वर्ण करने का सामर्थ्य नहीं होता, तो उनको प्रवृत्ति के मार्ग से ले चल करके फिर निवृत्ति की ओर ले जाया जाता है। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि धर्म पूर्वक धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग का उपभोग करके वासनाओं को क्षीण कर दिया जाए। जो वासनाएं संसार में जन्म लेने का मूल कारण बनी हुई हैं, उनको क्षय करना है, तो उनको क्षय करने के लिए धर्म के मार्ग में चलने पर उनका क्षय हो जाएगा। कैसे क्षय हो जाएगा? एक तो धर्म के मार्ग से उनकी जब प्राप्ति होगी तो न्यायतः प्राप्त होंगी, बेईमानी से छीना झपटी के द्वारा जो भोग हड़पे जाते हैं उनसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता, बल्कि विषयों की भूख को वे बढ़ाते रहते हैं, बेचैन करते रहते, क्योंकि वहां तमोगुणी मार्ग हुआ ना। किंतु शास्त्रीय मार्ग से जब उनका अनुभव प्राप्त किया जाता है तो न्याय मार्ग से प्राप्त हुए भोग पूर्ण तृप्ति प्रदान करते हैं। तृप्ति प्रदान करने से फिर जो है उसके मन में अकिंचित कर बुद्धि बन जाती, अरे हो गया, देख लिया, बस इतना है और क्या है, तब वैराग्य होता है। तो इस प्रकार से महर्षि कर्दम ने तपस्या के द्वारा, भगवान की आराधना उपासना के द्वारा, तो भगवान की उपासना आराधना करने के बाद ही उन्होंने विवाह ही किया, और विवाह करके पूरा तपस्या में लग गए, तब अनायास सब कुछ उनको प्राप्त हो गया। जैसे वाल्मीकि रामायण में भरद्वाज जी का वर्णन है, भरत जी जब आए भगवान को लौटाने के लिए, अयोध्या कांड वर्णन आया, तो उन्होंने जो है भरत जी से
आज्ञा दिया कि हमारे यहाँ सेना को फहराओ, सेना को बाहर रोके गए। कहा कि नहीं, बुलाओ सारी सेना लाओ यहाँ, ऐसे सत्पुरुष की ही हम सेवा करेंगे रिद्धि सिद्धियों के द्वारा, वर्णन है भारत। तो उनके आग्रह को पहले तो बड़ा उन्होंने मना किया, लेकिन ऋषि की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकते थे, धर्मात्मा थे। सेना बुलाई गई, बड़ा विलक्षण वर्णन है वहां पर। रिद्धि सिद्धि आ करके है जिनको कभी उनको देखा ही नहीं होगा, ऐसे पदार्थ सब कुछ बड़ा विचित्र वर्णन है। और जब उनकी विदाई हो गई एक दिन दो दिन के बाद, सबको विदा कर दिया, रिद्धि सिद्धियों को जाओ हो गया काम। फिर फूस की झोपड़ी में रह रहे हैं, कुछ के आसन पर शयन कर रहे हैं, वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, विद्यार्थियों को वेद पढ़ा रहे। ये ऋषि और ब्राह्मण होते इतने तृप्त होते हैं कि उनको स्वयं किसी वस्तु की कोई इच्छा ही नहीं, अर्थ को। यह देश जो है ऐसे ऋषियों की परंपरा वाला देश। आगे चल करके फिर शैथिल्य आया, रजोगुण तमोगुण बढ़ता चला। तो उसी प्रकार का यह प्रसंग है कि कहते हैं कि इनका तुम अवलोकन करो, इनकी तुलना करते हैं दूसरे जो भोग हैं, दूसरे भोग जो है इनकी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? अन्य पुनर्भगवतो भृगुद विजृंभ विभ्रंशिता सरजना कि मुरुक्रमस्य सिद्धासि भोंसु विभवान निज धर्म दुहान दिव्यान्नर दुरभिदानपविक्रिया। ऋषि कर्दम जी कहते हैं कि हे देवी, दूसरे जो भोग हैं उनकी क्या बात है? भगवतो भू उद्विजृंभ विजृंभ, भगवान कालात्मा भगवान की भक्ति के टेढ़े होने होते ही सब तितर बितर हो जाते, विभक्त हो जाते, है ना। दूसरे प्रकार से प्राप्त भोग जो है अनित्य है, अस्थाई है, है ना, क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले हैं। इसलिए है ना, किम उरुक्रमस्य, उरुक्रम भगवान की भक्ति के टेढ़े होने पर ही वे सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। उन भोगों में रखा क्या है? ये भोग जो है ये तो भगवान के द्वारा प्रसाद रूप में अर्पित किए गए हैं, वो तो कर्म फल भोग है। कर्म फल भोग जो है चाहे जितना उत्कृष्ट हो, काल के द्वारा वह नष्ट कर दिया जाएगा, और ये नष्ट नहीं होने वाले। इसलिए सिद्धासि भोंसु विभवान निज धर्म दुहान, तुमने भी मेरे साथ धर्म का पालन किया है, पातिव्रत धर्म का, इसलिए अपने धर्म के पालन से तुमने भी इनका दोहन प्राप्त किया है, तुम सिद्ध हो गई हो। इन भोगों का तुम अनुभव प्राप्त करो, भोग प्राप्त करो। अच्छा है ना, दिव्या नरैर दुर्धदान दुर्धदान निपविक्रिया भी। कहते हैं देखिए यहां दो बातें, कहते हैं कि तात्पर्य भोगों की, भोगों को भोगने का नहीं है। नहीं तो कोई कह देगा कि अरे दूसरे भी तो खाते, अच्छा खाते पीते हैं, पहनते ओढ़ते हैं, रहते वहते हैं, किंतु वे दिव्य नहीं। दिव्य भोग सामान्य मनुष्यों के लिए तो संभव ही नहीं है, वो तो तप का फल है, तप का फल है। और कहीं ये भी राजकुमारी हैं, महाराज मनु की कन्या हैं, इनको हो कि अरे हमारे पिता के यहाँ क्या कमी थी, तो कहते हैं
नप विक्रियाधि दुरधिगान नप विक्रियाधि। हम राजा हैं, हमारे यहाँ भोगों की क्या कमी है, जो चाहे हम सो भोग सकते हैं। कहते इस प्रकार का अहंकार रखने वाले राजाओं के जो भोग होते हैं वे भी विकार युक्त होते हैं, अहंकार रूप विकार युक्त होते हैं, वो भी अत्यंत तुच्छ होते हैं, किंतु ये दिव्य भोग हैं। ठीक है। अन्य पुनर्भोगा किम, दूसरे जो भोग हैं वे कुछ भी नहीं है, ना किमति अति तुच्छाइत्यर्थः, अत्यंत तुच्छ। तत्र हेतु भगवतः उरुक्रमस्य या ध्रुवः, उरुक्रम भगवान की जो भ्रगति, तस्या उद्विजृंभः बकरी भावः, उसका टेढ़ा होना, तेन विभ्रंशता अर्थरचना मनोरथा येषु, भगवान के भू विजृंभ से ही उन भोगों की अर्थरचना नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, मनोर सब चकना चूर हो जाती है। निज धर्मेण पातिव्रतेन दुह्यन्ते तथा तान, तुमने पातिव्रत धर्म के द्वारा उनको प्राप्त किया है। धर्म दो हैं, दुह्यन्ते दोहा, धर्म के द्वारा जो दोहन होकर के प्राप्त हुए हैं, है ना, तथा तान ऐसे भोगों दिव्य भोगों का तुम अनुभव प्राप्त करो। ये दूसरे मनुष्यों को दुरधिगमान दुष्प्राप हैं, धर्माचरण के बिना ये भोग कभी प्राप्त नहीं हो सकते। नेता वैमितिया विक्रिया, रही बात यह है कि जो राजाओं को भोग प्राप्त रहते हैं तो उनके साथ में विकार लगा होता है, अरे हम तो राजा लोग हैं, तत्र भोग विकृत विकृत साधि, उनके भोगों में यही विकृतियां रहती हैं, इसलिए वे भी तुच्छ भोग हैं। इस प्रकार से कृपा परवश होकर के शरीर से कृष देवी देवहूति को महर्षि कर्दम जी ने संतुष्ट किया। अत्यम ब्रवाणबलासन योग माया विद्या विचक्षण मनीक्ष गताधिरासी संपस्य प्रणय बिहुवलया गिरे सद्रीदावलोक बिरसद हसिताना। मैत्रेय जी कहते हैं कि महर्षि कर्दम ऐसा कह रहे थे, देहूति देवी ने सुना, अबलाथल योग माया विद्या विचक्षणम अवेक्ष। देहूति ने देखा कि हमारे पति देव समग्र योग माया और विद्या उपासना में विचक्षण है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो ये संकल्प से उपस्थित न कर दे, इसलिए उनके मन में किसी प्रकार की आधी चिंता नहीं रह गई। ये तो सब कुछ प्रस्तुत कर देने वाले हैं। गताधिरासीत आधी माने मानसिक चिंता से रहित हो गई, और संप्रश्य प्रणय बिहवलया गिरे सत, बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रेम पूर्वक लज्जा प्रकट करती हुई व्रीदावलोक बिरसद हसिता लना, लज्जा पूर्वक अवलोकन करती हुई, प्रेम पूर्वक अवलोकन करती हुई, मुस्काती हुई कहने लगी। टीका। अखिला योग मायाश्च विद्याश्च तत्तद उपासना, समग्र योग मायाएं और विद्याएं उपासना रूप विद्याएं, उन शबों में ताश विचक्षणम निपुणम एवं ब्रुवाणम,
उन सबों में महर्षि कर्दम निपुण है ऐसा जो कह रहे हैं, क्योंकि जो ऐसा निपुण नहीं होगा वह यह बात नहीं कह सकता। अन्यान्य भोगों को तो उन्होंने बहुत तुच्छ बता दिया। पतिम अवेक्ष, ऐसे अपने पति की ओर देखा और आधिर निश्चिंता जाता गताधि मन निश्चिंत हो गई। ये तो सब कुछ हो प्रकट करने वाले की सामर्थ्य रखने वाले हैं। संप्रसयो विनय प्रणय प्रेम, विनय और प्रेम पूर्वक ताभ्याम विह्वला, दोनों से वे विह्वल हो गए विनम्रता और प्रेम पूर्वक। गदगदा तया गिरा ईषद ब्रीडा सहिता, गदगद वाणी के द्वारा कुछ लज्जित लज्जा प्रकट करती हुई है ना, तत्पूर्वक जो अवलोकन तेन बिलसद विकसितम हसितम, और उसी से जिनका मुखारविंद विकसित हो रहा है, मुस्कान भी आ गई है। हसितम जात हासम चाननम यस्या सार आह जगाद, मुस्कुराती हुई प्रेम पूर्वक कहने लगी देहूति रुवाज। कहते हैं राधम बत द्विज बरसई तदमोघ योग मायाधिपे त्वय विभो तदवय निभर्ता, यस्तेभ्य धाय समय सकृदंग संगो भूयाद गरीयश गुण प्रसव सतीनाम। देवी देहूति कहती हैं कि हे भर्ता, हे स्वामिन, हे द्विज वर्ष श्रेष्ठ ब्रह्म देवता, एतद अमोघ योग माया धिते त्वयि, आप में अमोघ माया के आप अधिप हैं, सब कुछ आपको प्राप्त है। मैं यह समझती हूं कि हे स्वामिन, आपके भीतर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप प्रकट न कर दें, नहीं हो, किंतु मेरी अभिलाषा यह है, यस्तेभ्य धाय समय सकृदं संगो, आपने उस समय यह शर्त रखी थी कि देहूति को संतान होने तक मैं गृहस्थ में रहूंगा, फिर संन्यास ले लूंगा, यह जो आपने वचन दिया था, कथन किया था, समय सकदंग संगो भूयाद गरीयश गुण प्रसव सती नाम, इसलिए तन निमित्तक अंग संग की अभिलाषा रखती हूं मैं। क्यों, कारण क्या है? कहते हैं कि गरीयसी है ना प्रसव सती नाम गुण, श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त करना सती स्त्रियों के गुणों का विस्तार करने वाला है, बहुत मूल्यवान है। ठीक है, बतेति हर्षे राधम बत, राधम मन सिद्धम, बत हर्ष व्यक्त करने के लिए निपात। हे द्विज व्रत द्विज श्रेष्ठ, हे भर्ता, हे स्वामिन, त्वयि एतत् सर्वं राधम सिद्धमेव, आप में जो आप जैसा कह रहे हैं वह सब कुछ आप में तो सिद्ध ही है, मैं यह बात जानती हूं। तद अहम अवैम जानाम जान गई हूं, किंतु यस्ते त्वया समयो अधीतः, किंतु आपने जो भाषा बंध किया था विवाह के पूर्व, सतावत भूयात, पहले उसकी पूर्ति हो, क्या अपत्य की उत्पत्ति, पुत्र उत्पत्ति, सकृदित गर्भ संभव मात्र पर्यंत इत्यर्थ है ना, इससे
संतान की उत्पत्ति तक ही मैं सदगृहस्थ आश्रम में रहूंगा, इसलिए आप उसकी पूर्ति कीजिए। क्यों यस्माद गरीयसि श्रेष्ठे भर्तरि, क्योंकि श्रेष्ठ पति में के हेतु से हेत भूते स्त्रीनाम प्रसवो गुणो महान लाभा, श्रेष्ठ पति के द्वारा स्त्री को पुत्र आदि की प्राप्ति बहुत बड़ा लाभ माना जाता है। और यदि गुण प्रसव को समास माने, श्रीधर स्वामी कहते हैं समास पाठ है, गुण प्रसव ऐसा कर दे, अलग अलग न करें तो अर्थ बदल जाएगा, क्या अर्थ हो जाएगा। समास पाठ है गरीय सी पत्यु सती सती नाम यतो गुण प्रसवो गुण विस्तारो भवती, श्रेष्ठ पति के प्राप्त होने पर सती स्त्रियों को है ना, श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान की प्राप्ति होने पर गुणों का विस्तार होता है। गुण प्रसव माने गुणों का विस्तार, माने उनकी उनका उनकी यशो गाथा बढ़ती चली जाती है। अतः पुत्र पत्या मम गुण विस्तारे जाते, इसलिए पुत्र पत्ति के द्वारा पहले मेरे भाग्य का गुणों का विस्तार हो, पश्चात तदुक्तम सर्वम भवत्ति भाव, इसके पश्चात आप जो कह रहे हैं उन भोगों का मैं अवलोकन करूंगी देखूंगी। या फिर कहती हैं तत्रेच कृत्रिम उपशिक्ष यथोपदेशम ये नयुष्मे कर्षितो अतिरिदंशयात्मा सिद्धेत ते कृतमनोभव धर्षिताया दीनस्तदीयुष भवनम सदृशं विचक्षो। हे भगवान, आप इत कृत्रिम उपदेश, इत कृत माने तैयारी, इत कर्तव्यता, क्या क्या कृत्य है इसके लिए, यथोपदेशम माने जैसा शास्त्र का उपदेश है, आज्ञा है, ये नैषमेय कर्षितो अतिरिदंशयात्मा, जिसके कारण मेरा शरीर अत्यंत क्रुश हो गया है, अत्यंत रमण की इच्छा वाला शरीर क्रुश हो गया है। सिद्धेत ते कृत मनोभव धर्षिताया, आपके प्रति मनोभव के कारण जो मैं क्रश हो गई हूँ, दीन हो रही हूँ, दीनस्तदीयुष भवनम सदृशं विचक्षो, उसकी पूर्ति के लिए हे भगवान आप अनुकूल भवन की व्यवस्था कीजिए, दृष्टि रखिए, दृष्टि डालिए, स्थान चाहिए। टीका, अंग संगार्थम च प्रथमम इति कर्तव्यताम संपादयित्या, अंग संग के लिए इति कर्तव्यता तैयारी उसको संपन्न कीजिए। हे ईश, तत्र अंग संगे इत कृत्यम साधनम यथोपदेशम, अंग संग के लिए क्या क्या आवश्यक है साधन, शास्त्र का जैसा उपदेश है, काम शास्त्रानुसारेण उपशिक्ष संजानी ही आप जानिए, और उपकल्प इत्यर्थ उनकी व्यवस्था कीजिए। येन साधनेन अभ्यंग भोजन पानादिना अतीव रंतुमिच्छया, क्योंकि उन साधनों के द्वारा अभ्यंग स्नान भोजन पानादि के द्वारा अत्यंत जो रमण की इच्छा है, उससे कर्षित जो मेरा देह है, दीनश्च मम इस आत्मा देह सिद्धेत है ना, रति समर्थ हो, रति समर्थो भवेत। कथम भूताया ते त्रयो कृतक्षोभितो यो मनोभवस्तेन धर्षिताया, तुम्हारे द्वारा ही है ना
जिस शरीर में क्षोभ पैदा किया गया है मनोभाव के द्वारा धर्षित हुई तत्तो अनुरूपम भवनम विचक्षो वितर्क, इसलिए उसके अनुरूप भवन निवास गृह का आप चिंतन कीजिए, विचारे इतियावत उसका भी विचार कर लीजिए। मैत्रेय वाच, इस तरह से जब देवी देवभूति ने प्रार्थना किया तब मैत्रेय जी कहते हैं, प्रियाया प्रियमन विच्छन कर्दमो योगमास्थितः विमानम कामगम शत्तर करिहेवा विरचि करत। कहते हैं मैत्रेय जी, कर्दम जी ने अपनी प्रिया देवहूति का प्रिय करने के लिए योग में चित्त को स्थापित किया, योग मास्थितः, और संकल्प करते गए विमान बन गया। विमानम कामगम सत्ता, सत्ता है विदुर जी, कामक माने जहां इच्छा हो वहां विमान ले जाए। तरीहेरा दिलची करत, उसी समय तुरंत महर्षि कर्दम ने कामक यान बना करके तैयार कर दिया, संकल्प से जो संकल्प किया वैसा बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तथ तत्क्षण में आविरचि करत आविर्भावयाम बभूव, तत्क्षण योग स्थित होकर के संकल्प के अनुसार तत्क्षण प्रगट हो गया विमान। और उसका वर्णन करते हैं नौ श्लोकों से, कैसा है विमान जो उनकी योग शक्ति के द्वारा प्रगट हुआ। सर्व काम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वाध्युपचयो दर्कम महिस्तंभरूपस्कृतम, सब प्रकार के कामनाओं का दोहन करने वाला, प्रस्तुत करने वाला, जो चाहो सो प्राप्त कर लो। और दिव्य दूसरा विशेषण, सर्वरत्न रत्न समन्वितम, सब प्रकार के रत्नों से समन्वित। सर्वाध्युपचयो दर्कम, और सब प्रकार की रिद्धि उत्तरोत्तर रिद्धि वृद्धि से संपन्न। मणि स्तंभय रूपस्कृतम, और मणियों के बने हुए स्तंभों से खंभों से जो उपस्कृत है, उपस्कृत माने सुशोभित है, सजाया गया है। टीका, तदेव विष्णष्ट सर्व काम दुघमित नव भी नव श्लोकों से, सर्वैश्य रत्नादि भी समन्वितम, सब प्रकार के रत्नों से समन्वित है। सर्वर्धी नाम सर्व संपदाम या उपचय, सब प्रकार की रिद्धियों का उपचय वृद्धि। तस्य उदारका उत्तरोत्तराधिवृद्धिर यस्मिन, उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है जिस विमान में उपस्कृतम शोभितम। पुनः कथम भूतम दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम, पट्टिका भी पताका भी विचित्रा भी अलंकृतम। दिव्य उपकरणों से परिपूर्ण है, सब काल में सर्दी गर्मी वर्षा में सुख देने वाला है। पट्टिका भी पताका भी विचित्रा भी अलंकृतम, पट्टिकाओं से पताकाओं से विचित्र विचित्र पताकाओं से वह अलंकृत किया गया है। टीका, उपकरणम परिकर, दिव्य परिकर से संपन्न है। पट्टिका माने अल्प विस्तार पट वस्त्र विशेषा, थोड़ी चौड़ाई वाले वस्त्र पट पट्टे वस्त्रखंड। पताका विस्तृताष्टाभिः,
और पताकाएं, इनसे वह सजाया गया है, अलंकृत किया गया है। और सभी विचित्र माल्याधिर मंजुषिंजत षडंगी, विचित्र फूल मालाओं से सजाया गया है। जिन फूल मालाओं में षडंगी माने भंवरे गुंजायमान कर रहे हैं, भंवरों के गुंजायमान होने वाले पुष्प मालाओं से वह सजाया गया है। दुकूलक सौम कौशेय नाना वस्त्र विराजितम, दुकूल सौम कौशेय ही सूती और कौशेय रेशम के नाना प्रकार के वस्त्र खंडों से जिसको सजाया गया है। टीका, विचित्रान माल्यान पुष्पान यासु, चित्र विचित्र प्रकार की मालाएं फूल जिन मालाओं में लगे हुए हैं। मंजु यथा भगत एवं सिंजंतः पूजंतः सदंघयः, है ना, बड़ा मधुर लगता है जिनका गुनगुनाना भ्रमरों का, ऐसे भ्रमरों की पंक्ति से सुशोभित मालाएं और पुष्पों से सजाया गया है। यास ताभि श्रद्धि ही ऐसी मालाओं, और पुनः कथम भूतम उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक क्षिप्तै कश्यपुभि कांतम पर्यंक व्यजनासनैः, उस विमान के ऊपर खंड में और ऊपर खंड में और ऊपर खंड में खंड है, दो तल्ला तीन तल्ला चार सात तल्ला, उन ऊपर ऊपर के खंडों में निलयों में प्रकोष्ठों में कमरों में पृथक पृथक रूप से कशिपु माने पलंग और कशिपु क्षिप्त ही कांतम पर्यंग व्यजनासन ही, पलंग व्यजन और आसन, बड़े सुंदर सुंदर आसन पर्यंग व्यजन बैठने के आसन प्रत्येक प्रकोष्ठ में अलग अलग सब जगह हैं। जहां भी पहुंच जाए वहां सब व्यवस्था अलग अलग है। वही कहते ऊपर ऊपर ही विरचित विरचित ग्रहेषु, दूसरे तल्ले में तीसरे खंड में चौथे खंड में सब जगह पलंग अलग अलग, आसन अलग अलग, व्यजन पंखे अलग अलग, सयाधि कांतम कमनीयम पंकादिभिश्च कांतम, सयाधि से अत्यंत कमनीय विमान है। तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितम महामरकत स्थल्या जुष्टम विद्रुम वेदि वेदि भी, और उस विमान में यहाँ वहाँ चारों ओर शिल्पों की शोभा विक्षिप्त पड़ी हुई है, सजाई गई है। जैसे महामरकत स्थल या महामरकत मणि की देहली और विद्रुम की वेदियां, मूंगे की वेदियां, है ना, ये बनी हुई और टीका नहीं है। द्वास विद्रुम देहल्या धातम वज्र कपाटवत् शिखरेषु इंद्र नीलेषु हेम कुंभैरधिष्ठितम्, और उन कमरों के दरवाजों में मूंगे की देहलियां बनी हुई हैं, देहलियों में वज्र कपाट वाले दरवाजे लगे हुए हैं, और शिखरों में क्या है, शिखर इंद्र नील मणि से बनाए गए हैं। हेम कुंभैर अधिष्ठितम्, इंद्र नील मणि से बने हुए शिखरों में सोने के जल आपूरित कुंभ सजाए गए हैं। टीका, द्वारसु द्वारेषु विद्युम निर्मिता देहली, प्रत्येक दरवाजे पर मूंगे की देहली बनाई हुई है। उदम्बरस्तया भातम शोभितम, उदम्बरस्तया है ना, वो तो अंबर की तरह से शोभित है,
और वज्र खचित कपाट युक्तम, वज्र खचित हो किवाड़ लगे हुए हैं दरवाजों में, इंद्र नील महेश शिखरेश, कमरों के शिखर जो है इंद्र नील मणि के बने हुए हैं, है ना। शिखर माने प्रासादाग्र भागेश, महलों के ऊपर वाले भाग, और चक्षुष्मत् पद्मरागांधैर् पद्मरागाग्रैर् वज्र भित्तिषु निर्मितैः, जुष्टं विचित्र बैतालैर् महारहैर् हेमतोरणैः, पुनः कथम भूतं विमानम्। तो फिर विमान की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पद्मराग मैया उसमें जड़ी गई हैं, और जिनमें नेत्र बने हुए से दिखाई देते हैं, नेत्र है नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि मणियों में बीच बीच में नेत्र बने हुए, और वज्र की भित्तियों में इस प्रकार से पद्मराग मढ़ा गया है कि वह बीच बीच में मानो उस विमान के नेत्र हैं। तो पद्मराग के अंग हुए लेकिन विमान के नेत्र, मानो विमान देख रहा है नेत्रों के द्वारा। जो स्तंभ विचित्र बैता नहीं महारहिर हेम तोरण ही, और जो विचित्र प्रकार के बैतान चंदोवा वेश कीमती सोने के बने हुए तोरण, इन सबों से उन द्वारों को सजाया गया है। टीका, चक्षुष मनते हुए पद्मरागाग्र्या, पद्मराग मणियों के अग्रभाग ऐसे प्रतीत होते हैं उस विमान में कि मानो ये नेत्र हैं, आंखें हैं देखने की। यद्वा चक्षुष मदिव, अथवा वह सारा विमान ही नेत्रों से युक्त दिखाई दे रहा है। कई पद्मरागाग्रेय ही, किन के द्वारा? पद्मराग के मणियों के अग्रभाग के द्वारा, और विचित्र बैतानेर वितान समूह ही, विचित्र प्रकार के वितान चंदोवे आदि उसमें सजाए गए हैं। पुनः कथम भूतम विमानम, हंस तारावत ब्रात तत्र तत्र निकूजितम, कृत्रिमान मन्यमान स्वान अधिरुयाधिरुय च। उस विमान में कृत्रिम हंस और कबूतर बने हुए हैं मणियों के, किंतु बाहर के जो हंस और कबूतर हैं वे उड़ करके दौड़ करके उनके पास आ जाते हैं। वे नहीं जानते कि ये तो चित्र बने हुए हैं, वे समझते हैं कि हमारी ही तरह ये भी हंस हैं, ये भी कबूतर हैं। तो अपना साथी समझ करके, मित्र समझ करके आ करके उनके पास बैठ जाते हैं और अपनी आवाज निकालते हैं, मानो बातचीत करते हैं। हंस तारावत ब्रात तत्र तत्र निकूजितम, उस विमान में यहाँ वहाँ इधर उधर हंस और तारावत माने कबूतर आ आ करके, झुंड के झुंड आ करके अपनी बोली सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? कहते हैं कि उस विमान में कृत्रिम हंस बने हुए हैं, कबूतर बने हुए हैं, तो इसलिए उनको देख करके असली हंस कबूतर दौड़ करके उड़ करके आ जाते हैं और ये जान लेते हैं कि ये हमारे साथी हैं। तो श्वान धिरुया धिरुए चो, उनको अपना साथी मान करके दौड़ दौड़ करके आते हैं और बोलते हैं। ये शोभा है। टीका, कृत्रिमान अभी हंसादीन श्वान सजाती अनुमन मान ही, यद्य विमान में जो हंस और कबूतर बने हुए कृत्रिम बनावटी हैं चित्र, किंतु बाहर से उड़ करके आए हुए हंस और कबूतर उनको असली समझते हैं, अपने सजाती समझते हैं, हमारी तरह ये भी हैं।
तथा अधिरुह्याधिरुह्य निकूजितम, इसलिए उनके पास आ आ करके पूजन करते हैं, बोली बोलते हैं। बिहार स्थान विश्राम संदेश प्रांगणा गिरई यथोपजो संरचित विस्मातन निवात्मन। आप उपसंहार कर रहे हैं, कहते हैं कि उस विमान की महिमा क्या है, उस विमान में विहार करने के स्थान बने हुए हैं, विश्राम के स्थान बने हुए हैं, संदेशन माने बैठने के, प्रांगण माने बाहरी मैदान, अजर अजर कहते हैं चार दीवारी के बाद की जगह जहां आने जाने वाले ठहरते हैं। इन सब विहार स्थान विश्राम स्थान बैठना प्रांगण अजर आदिकों के द्वारा यथोपजो समरचित ही विस्मातन निवात्मना, सब बड़े व्यवस्था से रचे गए हैं, है ना। उनको देख करके स्वयं कर्दम महर्षि को भी आश्चर्य होता है, जिन्होंने योग शक्ति से विमान को प्रकट किया उसको देख करके वे स्वयं भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। टीका है, बिहार स्थानम माने क्रीडा प्रदेश, खेल के मैदान, विश्राम शयन गृह, संदेशा उपभोग स्थान बैठने का, प्रांगणम गृहात बही, अजरम प्राकारात बही, चार दीवारी के बाहर के क्षेत्र को अजर कहते हैं। यथोपजोषम यथा सुखमात्मन स्वस्य मायाविनोपि विस्मय जनकम इवो, इस प्रकार से आवश्यक सर्वत्र सुखोपयोगी वह विमान है। यद्यपि महर्षि कर्दम ने अपनी योग विद्या से उसको प्रकट किया है, किंतु उनको उसको देख करके उनको भी विस्मय हो रहा है, विस्मयजनक। ईदत ग्रहण तक पश्यंती नाति प्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाधिज्ञ प्रावोचत कर्दम स्वयं, ऐसे दिव्य विमान ग्रह को देखती तो हैं देवी देवहूति, किंतु उनका चित्त प्रसन्न नहीं है, किंतु चित्त प्रसन्न नहीं है तो महर्षि कर्दम जान गए सर्वभूताशयाधिज्ञ, वे तो समस्त प्राणियों के आशय को जानने वाले हैं, इसलिए देवी देवहूति ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा, किंतु वे अपने आप जान गए, जान करके स्वयं कहने लगे, उनके बिना कुछ कहे ही। नाति प्रीतेन मलिन देहत्वात् परिचारिका भावात्, ऐसे दिव्य विमान में देवी देवहूति का जो देह मलिन था, स्नान आदि से रहित था, तो ऐसे भवन में भला कैसे मैं निवास करूं, यह उनके मन का संकोच था। कर्दम जिस बात को जान गए तब उन्होंने कहा, निमज्जाश्मिन हृदय भीरु विमान मिदमारुह इदम शुक्लकृतम तीर्थम आशिषाम व्यापकम नृणाम। हे भीरु, तुम जो है इस हृदय में स्नान करो, स्नान करके फिर इस विमान पर आरूढ़ हो। यह जो हृदय है यह साक्षात भगवान के द्वारा रचित है, इदम शुक्ल कृतम विष्णु भगवान के द्वारा तीर्थ है, बिंदु सरोवर में स्नान करने से ही तुम्हारा शरीर निर्मल हो जाएगा, विग्रह हो जाए, उज्ज्वल हो जाएगा,
क्योंकि यह भगवान का बनाया हुआ निर्मल तीर्थ है और मनुष्यों को सब प्रकार के आशीर्वाद देने वाला है। आशीषाम यातकम नृणाम टीका अस्मिन हृदय बिंदु सरसि, इस हृदय में बिंदु सरोवर में तुम स्नान कर लो और आरुह अधिरोह तब इस विमान पर आरोहण करो। शुक्लेन विष्णुना कृतम आनंद बिंदु निपातनेन, यह भगवान विष्णु के द्वारा रचा हुआ सरोवर है। कैसे? तो भगवान के नेत्रों से बिंदु गिरे थे, आनंद बिंदु के निपातन से भगवान के द्वारा बनाया गया तीर्थ है यह। मनुष्य मात्र को अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने वाला है। यातकम प्रापकम, ऐसा जब कर्दम जी ने कहा सा तद भर्तु समादाय वाचः कुबलयक्षण सर्जम बिभर्ति बासु वेणी भूतांश मूर्धजान, तब अपने स्वामी की बात सुन करके कुबलयक्षण कमल नेत्र वाली देहूति देवी सर्जम वासः बिभर्ति, उनका वस्त्र जो है मैला कुचैला हो गया था और जो सिर के बाल थे बेणी थी वे भी सब बाल चिपट गए थे। वेणी भूतांश मूर्धजान, इनके सहित उन्होंने जराशय में प्रवेश किया। टीका समादाय आहृत्य सरजम माने मजनम रजयुक्तम, वेणी भूतान जटलान मूर्धजान, जो जटाएं बन गई हैं सिर के बालों में उसके सहित वे उसमें प्रवेश कर गई। और अंगम च मल पंकेनो संचन्नम सबलस्तनम आदिवेश सरस्वत्या सर शिव जलाशयम, देवी देवहूति के अंग मल के कीचड़ से संचन्न हो गए थे, ढक गए थे, स्तन आदि की कांति जाती रही थी। ऐसी देवी देवहूति सरस्वती के उस सरोवर में जिसमें शिव पवित्र जल भरा हुआ है उसमें प्रविष्ट हो गई। सबलौ विषर्णौ स्तनौ यस्मिन स्तः विवर्णौ, कांतिहीन सरस्वत्या शिवानी जलानि आसेवते यस्मिन, सरस्वती के पवित्र जल जिसमें शयन करते हैं जलाशय में, शिवा जलाशया जलचरा यस्मिन्नितिवा, अथवा जिसमें रहने वाले जलचर बड़े पवित्र हैं, ऐसे उस शर में देवी देवहूति ने प्रवेश किया। शांतः सरसि देशमस्थाः सताज दश कन्यकाः सर्वात्किशोरदर्शो ददर्शोत्पलगन्धयः, देवी देवहूति ने जब जलाशय में प्रवेश किया तो डुबकी लगाते ही उनको एक महल दिखाई पड़ा। उस महल में क्या दिखाई पड़ा है ना, जलाशय के भीतर महल में 100 कन्याएं 1000 और सबकी किशोर अवस्था है 15-16 वर्ष की, और ददर्श उत्पल गंधयः कमल के समान गंध उनके शरीर से निकल रहा है। ऐसी 1000 किशोरी कन्याएं उनको दिखाई पड़ी। सा तत्र निमग्ना सती विस्मयं ददर्श, वहां निमग्न होकर के जलाशय में विस्मय दिखाई देने लगा। क्या विस्मय? शांत सरसित दश भी 10 श्लोकों से
उत्पल गंधया कमल कमल गंधी ही कमला गंधी, जिनके शरीर से कमल की गंध निकल रही थी ऐसी 1000 किशोर अवस्था वाली कन्याएं उनको दिखाई पड़ी। और कन्याओं ने क्या किया, ताम दृष्ट्वा सहसोत्थायो प्रोचो प्राञ्जलय स्त्रियः, है ना, देहूति देवी को देखते ही वे सात कन्याएं खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करती हुई कहने लगी, वयम कर्म करिस्तुभ्यं साधिनः करवामि किम्। हे स्वामिनी जी, हम आपकी सेवा करने वाली सेविकाएं हैं, हमको आप आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या क्या सेवा करें। हाथ जोड़ करके संभ्रमित होकर के खड़ी होकर के प्रार्थना कर रही हैं। तुभ्यम तव कर्म करी ही षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी है, परिचारिका हम आपकी सेवा करने वाली सेविकाएं हैं, वयम अस्मान आज्ञातयति स्त्रियप्रोचुः, हमको आप आज्ञा दीजिए, ऐसी जो है प्रार्थना कर रही हैं। और इसके बाद जो है फिर वो स्नान कराएंगी, वस्त्र और अलंकारों से अलंकृत करेंगी, तब जाकर के विमान में वे है ना आरोहण करेंगी। अब प्रसंग यह कल जलाएंगे, यही रहने देंगे, ऐसा दिव्य प्रसंग है, तपोबल के नहीं।